वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी अभी क्लास ट्वेल्थ में आए हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सत्य कविता को, जो विष्णु खरे की है। लेखक का नाम याद रखना है, विष्णु खरे है। और ऑलरेडी इसके अंदर मैं एक कम कविता को समझा चुकी हूँ, तो आगे से कंटिन्यू करते हैं। और इसे देखने के बाद ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं होगा स्टूडेंट जो आप लोग ना कर पाए। स्टार्ट करते हैं सप्रसंग व्याख्या। आप इसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे और ध्यान से सुनेंगे। अब इसमें क्या होता है कि आपको कविता की कुछ लाइन दी गई होती है और इसमें आपको कवि और कविता का नाम लिखना होता है, जिसने यहाँ दे रखा है। यदि हम किसी डैश समाज आता है इसमें, तो अब यहाँ ज़रूरी है कि आप लोगों को कविता लर्न होनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे एग्ज़ाम में और कवि लिखेंगे। कवि याद रखेंगे विष्णु खरे। विष्णु खरे के जीवन परिचय के बारे में मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, आप इसे वहाँ से जाके प्लेलिस्ट में से चेक कर सकते हैं। कविता, कविता का नाम लिखना है, सत्य है। तो प्रसंग में हम इतना ही लिखते हैं, पहला कवि और दूसरा कविता का नाम। नेक्स्ट आता है संदर्भ, जो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसमें? सप्रसंग व्याख्या में, जिसमें आप बताएंगे कि कवि क्या कहना चाहता है। तो लिखा जाएगा कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने ये बताया है कि जो व्यक्ति दृढ़ निश्चय वाला होता है, यानी जो किसी काम को करने की ठान लेता है, जो है वही सत्य को पहचान सकता है। तो आपको याद रखना है जो व्यक्ति कैसा होता है, दृढ़ निश्चय वाला होता है, जो ठान लेता है कि ये मुझे करना ही करना है, तो वही सत्य को क्या कर सकता है, सच को पहचान सकता है। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे व्याख्या लिखी जाती है। व्याख्या याद रखेंगे ये 3 मार्क्स को कवर करती है, जिसमें आप लोग क्या लिखोगे कि कवि कहता है कि सत्य की प्राप्ति, यानी सत्य उसी को ही प्राप्त होता है जो दृढ़ संकल्प वाला होता है। यानी सत्य किसे मिलेगा? जो दृढ़ संकल्प वाला होता है, जो ठान लेता है कि ये मुझे करना ही करना है। तो अब जैसे बोला गया है कि यदि हम भी यदि युधिष्ठिर के समान क्या होते, अडिंग होते और सत्य को खोजने के लिए उसके पीछे जाते, तो सत्य क्या हो जाता? तो सत्य को मजबूर होकर के हमारे लिए रुकना ही पड़ता। यानी जैसे युधिष्ठिर ने क्या है, वो सत्य के पीछे इतना भागे कि सत्य को, सच को विवश होकर के, मजबूर होकर के उनके सामने रुकना ही पड़ा। स्टूडेंट्स आप बहुत ध्यान से सुनेंगे और इसे देखने के बाद ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसे आप लोग ना कर पाएँ। और इस सारे वही आपको मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, जो आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बोला गया है जब सत्य रुककर पीछे पलटकर हमें देखता है, तो ध्यान से सुनना है क्या बोला है कि जब सच है वो हमें पलट के पीछे देखता है, तो उस समय हमें महसूस होता है कि जो सत्य है, जो सच है, वो हमारी ही ओर देख रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट। और वे इस तरह हमारी आँखों में देखता है, आपको ये रखना है कि हमें महसूस हो जाता है कि सच हमारी ओर देख रहा है और वो इस तरह हमारी आँखों में देखता है। कौन? सच, यानी सत्य है कि वो हमें जैसे अंतिम बार देख रहा है। आज के बाद वो कभी दिखाई नहीं देगा, तो सच हमारी आँखों में आके डालकर ऐसे देखता है कि जैसे वो हमें आज के बाद कभी भी नहीं दिखाई देगा। जब वो एक बार हमें पीछे मुड़ के देखता है, उस समय हमें ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकाश की जो किरण है, जो रोशनी की किरण है स्टूडेंट्स, वो सच में से निकली। याद रखना है क्या बोला है? कि जो सच की रोशनी है, वो हमारी आत्मा में समा गई है। आगे पढ़ते हैं, सत्य वास्तव में दिखाई नहीं देता। ऑब्वियसली जो सच है वो हमें रियल में नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि यानी बल्कि केवल आत्मा द्वारा, हमारी आत्मा के द्वारा ही इसे फील, इसे महसूस किया जा सकता है। सत्य आत्मा को क्या करता है स्टूडेंट्स? प्रकाशित करता है। याद रखना है आप लोगों को। इसके बाद विशेष लिखा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, जिसमें आप लिखेंगे कि सत्य को प्राप्त करने के लिए हमें दृढ़ निश्चय का होना आवश्यक है। याद रखना है, एक हमारे में चाहत होनी चाहिए
सत्य को अनुभव करने पर आत्मा प्रकाशित होती है, यानी जब हम सत्य का अनुभव कर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि वो हमारी आत्मा में समाने लगती है, हमारी आत्मा में प्रकाशित होने लगती है। इसके बाद स्टूडेंट्स आप काव्य सौंदर्य लिखते हैं, यानी अब बताएंगे कि जो भाषा है वो खड़ी बोली भाषा का इसके अंदर प्रयोग किया गया है और जो भाषा है वो कैसी है, अंत सहज और सरल है। मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि भाषा में आप पॉजिटिव पॉइंट्स यानी क्या लिखेंगे कि जो भाषा है वो बहुत सरल है, जो भाषा है वो बहुत सहज है, भाषा कैसी है, विषय अनुकूल, तो आप इसे ऐसे करके लिखते हैं। कविता आप कैसी बताएंगे, मुख छंद, यानी जब आप इसे कविता को पढ़ेंगे तो उसमें आपको जो वर्ड है वो बहुत ईजी लगेंगे, टफ वर्ड आपको नहीं लगेंगे, ये मुख छंद कविता की विशेषता होती है। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, यदि हम डैश पा जाते हैं, में डैश अलंकार है तो यहाँ सत्य आएगा, यानी वो कैसा अलंकार है, उपमा। जब हम कंपेरिजन करते हैं तो उसमें हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, आप इसे याद रखेंगे, आप वहाँ उपमा अलंकार लिखते हैं जब भी आप कंपैरिजन करते हैं। सत्य का मानवीकरण किया गया है, यानी मानवीकरण अलंकार का वहाँ इस्तेमाल होता है, जो चीज़ें मानव से कंपेयर की जाती हैं वहाँ तुरंत जो है वो समझ जाएंगे कि यहाँ मानवीयकरण अलंकार का इस्तेमाल किया गया है। स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, काव्य सौंदर्य बहुत ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे हम कहीं नहीं डैश समाया या नहीं। आप सबसे पहले इसका भाव सौंदर्य लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये आपके एग्जाम में 3 मार्क्स को कवर अप करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप हमेशा याद रखेंगे जब भी कविता होगी तो वो आपसे भाव सौंदर्य शिल्प सौंदर्य आपसे पूछेगा, ये ज़रूर पूछे जाने वाले एग्जाम में क्वेश्चन है। तो भाव सौंदर्य में आप बताएंगे कि कवि जो है इस माध्यम से क्या कहना चाह रहा है, सत्य के बारे में कवि जो है स्टूडेंट्स वो बताना चाह रहे हैं, सच के बारे में वो क्या कहते हैं कि जब सत्य के भीतर से प्रकाश जैसा हमारे पास आता है, आप याद रखेंगे क्या बोला है कि कवि कहते हैं कि जब सत्य से प्रकाश यानी जब सच के अंदर से जो रोशनी हमारे पास आती है, हम कह नहीं सकते कि वो हमारे भीतर गया, तो हम ये बात नहीं कह सकते कि जो सत्य में से जो रोशनी निकली है वो हमारे अंदर गई है या नहीं, क्योंकि ना तो हमारे भीतर कुछ हलचल होती है, जब सत्य हमारे भीतर जाता है तो कोई हलचल नहीं होगी, ना कोई कंपन, ना कोई मूवमेंट हुई होगी और ना ही कोई विशेष प्रकार की हम एनर्जी को ऊर्जा को महसूस करेंगे। यानी इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, बोला गया है कि सच का प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है, आप याद रखेंगे इसे कि जो सच है वो हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, वो हमारी आत्मा में समा जाता है। सत्य की पहचान आत्मा के द्वारा ही की जा सकती है, आप इसकी पहचान याद रखेंगे कैसे की जाएगी, आत्मा के द्वारा, ये केवल अनुभव का क्या है एक विषय है स्टूडेंट। जिसके बाद शिल्प सौंदर्य आता है, जिसमें सबसे पहले आप कवि लिखते हैं, कवि कौन है, विष्णु खरे हैं, कविता का नाम लिखते हैं, सत्य है, आप भाषा बताएंगे कि इसमें खड़ी बोली का इस्तेमाल किया गया है, आप कविता को रीड करेंगे तो आप खड़ी बोली का शब्द इसमें पाएंगे। रस कैसा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर शांत रस है, सत्य की बात की गई है। छंद मुक्त छंद है, यानी इसके अंदर आपको एक भी वर्ड ज़्यादा हार्ड देखने को नहीं मिलेगा। अलंकार आप बताएंगे कि ना तो हमें हमें डैश कोई जोड़, तो आप कैसा लिखेंगे, दृष्टांत अलंकार है। सत्य का मानवीकरण यानी जो मैंने बताया था, मनुष्य से जब भी कंपेयर किया जाएगा तो वहाँ आप मानवीकरण अलंकार लिखेंगे, यानी सत्य का मानवीकरण हुआ है किसका, सच का। शब्द शक्ति आप बताएंगे, व्यंजना यानी जिसे पढ़ने के बाद एक अभिप्राय हमें मिलता है, अभिप्राय की सूचना मिलती है। शब्द चयन आप बताएंगे, लाक्षणिकता प्रधान है, यानी भाषा का आप क्या लिखते हैं, हमेशा लाक्षणिकता प्रधान लिखते हैं, और आप कविता के वर्ड को भी इसमें लिख सकते हैं, किसमें, लाक्षणिकता प्रधान में। गुण आप बताएंगे कैसे गुण है, माधुर्य गुण है इसके अंदर, इस कविता में, जैसे कि मैंने बताया था आप हमेशा पॉजिटिव पॉइंट्स को इसमें लिखते हैं। छंद कविता है स्टूडेंट्स, आप याद रखेंगे टफ वर्ड देखने को नहीं मिलेंगे, तो इसलिए आप यहाँ क्या लिखेंगे, आतुकांत लिखेंगे। आगे पढ़ते हैं और इसके साथ साथ आपको संस्कृत निष्ठम तत्सम यानी सेम शब्द देखने को मिलेंगे। सार देखते हैं, तो सार में बताया है सत्य चाहे हमें दृष्टि से दिखाई ना दे, यानी सच हमें
आंखों से नहीं दिखाई दे, लेकिन जो स्टूडेंट सच का प्रकाश होता है, सच की रोशनी होती है, वो हमारी अंतरात्मा यानी हमारे आत्मा के द्वारा हम उसे क्या कर सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसे देखने के बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसे आप ना कर पाए। अब कुछ इम्पोर्टेंस क्वेश्चन दे रखे हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। स्टार्ट करते हैं, सत्य की पहचान हम कैसे करें, कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। वेरी इजी, क्या बोला है कि सत्य की पहचान केवल आत्मा के द्वारा ही की जा सकती है। आप इसे याद रखेंगे, सत्य के प्रति सदा संशय रहा है क्योंकि सत्य दिखाई नहीं देता। आपको याद रखना है कि जो सच है वो कभी दिखाई नहीं देता, भले कि इसको हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसे पहचानने के लिए जो हमारी आत्मा है वो कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल पवित्र पाक होनी चाहिए और ईमानदार होना ज़रूरी है, तभी हम अपनी आत्मा का इसमें अनुभव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, बोला गया है सत्य बोलना, सुनना, उसको सहन करना और सत्य का पालन करना आज के बदलते परिवेश में आपको बताना है कि कठिन क्यों है। क्योंकि जो लोग हैं वो दृढ़ संकल्प नहीं करते, और जो उनकी अंतरात्मा होती है वो पवित्र नहीं होती, वो ईमानदार नहीं होते। इसलिए क्या होता है कि उनके लिए सत्य बोलना, सच बोलना कठिन हो जाता है। सत्य को या फिर सच को सुनना या फिर सच को सहन करना और उस सच का पालन करना भी क्या हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। क्योंकि इसके लिए क्या होना चाहिए, हमारी अंतरात्मा अंदर से बिल्कुल पवित्र और ईमानदार होनी चाहिए। क्योंकि जो सच है वो कभी भी दिखाई नहीं देता, हम उसे अपनी अंतरात्मा के द्वारा ही महसूस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अन्य महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन है, व्याख्या करनी है आप लोगों को, या आप लोगों का होमवर्क है जिसे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए सॉल्व करेंगे। जब हम सत्य को डैश वो नहीं ठिटकते, यानी जब हम रुकेंगे तो सत्य और आगे चलता चला जाएगा। इसके लिए हमें दृढ़ संकल्प करना होगा, हमें इसके लिए डिटरमिनेशन चाहिए कि हमें करना ही करना है, हमें इसे प्राप्त करना है। दूसरा आपको दे रखा है, हम कह नहीं सकते इंद्रप्रस्थ डैश लौटते हुए, भी आप लोगों का स्टूडेंट्स क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, सत्य क्या पुकारने से मिल सकता है। आप बहुत ध्यान से इसे कवर करेंगे स्टूडेंट्स। युधिष्ठिर विदुर को क्यों पुकार रहे हैं, तो आपको बताना है कि जो पात्र दिए गए हैं सत्य के, दो पात्र युधिष्ठिर और विदुर, तो आपको बताना है कि जो युधिष्ठिर है वो विदुर को क्यों पुकार रहे हैं। पढ़ते हैं, सत्य यदि पुकारने से मिल जाता तो बोला गया हमें सच केवल बुलाने से, पुकारने से मिल जाता तो असत्य का बोलावाला नहीं होता। आपको याद रखना है क्या होता कि असत्य नहीं होता, सत्य पुकारने से नहीं, तो सत्य हमें सच जो है सिर्फ पुकारने से नहीं, अपितु सत्य का आचरण करने, यानी हमें डिटरमिनेशन, हमें चाहत होनी चाहिए उसे प्राप्त करने की, तथा उसका सामना करने से मिलता है कि हम उसका सामना कर सकें, उसे सुन सकें। और उसके लिए लोगों को कठिन संघर्ष से जुड़ना पड़ता है। आप याद रखेंगे, लोगों को सत्य प्राप्त करने के लिए संघर्ष से क्या करना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। जैसे जो धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था, स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि युधिष्ठिर ने सत्य को प्राप्त करने के लिए काफ़ी संघर्ष किया है, उन्होंने संपूर्ण जीवन सत्य का आचरण किया था, तो सत्य को ही अपना धर्म समझा। यानी जो कौन है युधिष्ठिर है, उन्होंने सच को क्या समझ लिया, क्या समझा, अपना धर्म समझा कि जो सच है वो मेरा धर्म है। यही कारण था कि वो क्या कहलाए स्टूडेंट्स, वो धर्मराज कहलाए। धर्मराज कहलाने से पहले युधिष्ठिर भी सत्य को जानने के लिए मारे मारे फिर रहे थे। यानी अगर हम धर्मराज कहलाने से पहले की बात करें तो युधिष्ठिर जो है वो सच को जानने के लिए मारे मारे फिर रहे थे। विदुर ने उन्हें ये मार्ग दिखलाया था। याद रखना है आप लोगों को, किसने रास्ता दिखाया, विदुर ने दिखाया। जब युधिष्ठिर को पता चला कि विदुर सत्य के मार्ग से परिचित है, जब युधिष्ठिर को क्या पता चला कि विदुर को सत्य का रास्ता पता है, तो वो उनके पीछे पीछे हो लिए। यानी विदुर ने युधिष्ठिर को देखा और फिर उन्हें ना पहचानने का बहाना करते हुए जंगल में भाग गए। यानी क्या हुआ, जब विदुर ने युधिष्ठिर को देखा तो विदुर ने युधिष्ठिर को उनको ना पहचानने का बहाना बनाया और वो जंगल में भागते गए और
भागते गए। महाभारत में विदुर एकमात्र ऐसे पात्र थे, आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, कि जो विद्वान तथा महाज्ञानी थे। उन्हें क्या बताया गया है कि वो महाज्ञानी है, वे नीति अनीति से परिचित हैं, उन्हें पता है क्या उचित है क्या अनुचित है, परंतु कौरव के प्रति उनकी निष्ठा ने उनके मुंह में पट्टी बांध दी थी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, उनके अतिरिक्त सत्य का सही ज्ञान किसी और को नहीं था। विदुर के अतिरिक्त जो सच का सही ज्ञान था वो उनके अलावा किसी को नहीं था, और विदुर जानते थे कि जो सच का रास्ता है वो बड़ा ही कठिन है, क्योंकि इसके लिए हमें दृढ़ संकल्प करना पड़ता है। वे स्वयं को बहुत संतुलित रखते हुए, यानी खुद को वो बैलेंस करते हुए इस मार्ग में बढ़ रहे थे। युधिष्ठिर के दृढ़ निश्चय को आगे उन्हें घुटने टेकने पड़े, यानी युधिष्ठिर सच को जानने के लिए, सच को पहचानने के लिए वो उसका पीछा करते रहे, और अंत में क्या हुआ कि उन्हें घुटने टेकने पड़े और जो विदुर है वो वहीं रुक गए। जैसे युधिष्ठिर की आंखें विदुर की आंखों से मिली, वैसे ही क्या हुआ, जो सत्य का जो प्रकाश था स्टूडेंट्स, वो उनकी आत्मा में उतर गया। जब उनका सामना सत्य से सच से हुआ तो उनकी आत्मा भी उसके प्रकाश से क्या हो गए स्टूडेंट, सच के प्रकाश से प्रकाशित हो गए। यानी युधिष्ठिर को भी सत्य की महिमा का क्या हुआ, ज्ञान हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं कविता में सत्य का दिखना और ओझल, यानी गायब होने से कवि का क्या तात्पर्य है। तो आप बताएंगे कि कविता में जो ही सत्य का दिखना और ओझल होने से क्या मतलब है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। सत्य स्वयं में क्या है, एक बहुत शक्तिशाली है, उसे क्या होता है स्टूडेंट, दिखने से कोई नहीं रोक सकते हैं, परंतु यदि जो सिचुएशन है इसके विरोध में आ जाती है, इसके अपोजिट जाती है, तो क्या होता है, वे शीघ्रता से ओझल हो जाता है, यानी गायब हो जाता है। जब लोग इसके अपोजिट जाते हैं तो सत्य को हर समय सम्मुख रखना संभव नहीं है। आप इसे याद रखेंगे कि सत्य को हम हर वक्त अपने सामने नहीं रख सकते, क्योंकि ये कोई वस्तु नहीं है, इसलिए यही कारण है कि ये स्थिर नहीं रह पाता, और ये सबसे बड़े दुख की बात भी है। आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है स्टूडेंट्स कि सत्य स्थिर नहीं रह पाता, ये सबसे बड़ी क्या है, दुख की बात है, क्योंकि ये कोई चीज़ नहीं है जो ये स्थिर रहेगी। लोग अपने स्वार्थ के लिए सत्य को तोड़ मरोड़ करके क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। आपने देखा होगा लोग बहाने बनाते हैं और अपने आप को सच साबित करने के लिए सच को तोड़ मोड़ करके पेश करते हैं। उनके कारण सत्य कहीं ओझल हो जाता है, यानी जो सत्य है वो कहीं गायब होने लगता है और रह जाता है तो असत्य, तो सिर्फ क्या बचता है, झूठ बचता है जो सच नहीं है। सत्य तभी प्रकट होता है जब दृढ़तापूर्वक सत्य आचरण किया जाता है, यानी जब हम दृढ़ संकल्प करेंगे, सच को जानेंगे, पहचानेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे और कहेंगे, तो तभी उसका आचरण कर पाएंगे या उस पर आडिंग रह जाए। युधिष्ठिर उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, आप ध्यान रखेंगे। उन्होंने किसी भी परिस्थिति में सत्य का साथ नहीं छोड़ा, चाहे कोई सी भी सिचुएशन हो, युधिष्ठिर ने जो है वो किसी भी सिचुएशन में परिस्थिति में सत्य का पीछा नहीं छोड़ा। सत्य और संकल्प के संबंध पर विचार व्यक्त कीजिए स्टूडेंट्स, आपको सत्य और संकल्प के बारे में अपने विचारों को प्रकट करना है। चलिए पढ़ते हैं, तो बोला गया है सत्य वे है जो डायरेक्ट तथा यथार्थ है। आपको याद रखना है सच कैसा है, डायरेक्ट है, और संकल्प क्या है, दृढ़ता क्या है, डिटरमिनेशन, व्यक्ति की इच्छा होती है, व्यक्ति के होप्स होते हैं। जीवन में कुछ घटता है वे यथार्थ है, जो आपके साथ घटना घटी है वो सब क्या है, एक यथार्थ है, उसे ही हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, सत्य कहते हैं। आगे पढ़ते हैं, सत्य और संकल्प में भक्त और भगवान के समान संबंध है। मतलब सत्य और किसमें, संकल्प में ऐसे संबंध बताए गए हैं जैसे भक्त और भगवान के बीच संबंध होता है। भक्त के बिना भगवान और भगवान के बिना भक्त का कोई अस्तित्व नहीं होता, और वैसे ही क्या बताया गया है स्टूडेंट, ठीक वैसे ही सत्य के मार्ग में, यानी सत्य के रास्ते में यदि मनुष्य में संकल्प की कमी, उसमें डिटरमिनेशन की कमी है, तो जो क्या है, सच है, वो तुरंत दम तोड़ देता है। सत्य का मार्ग स्टूडेंट्स क्या बोला गया है, बहुत कठिन है और संघर्ष युक्त है, उसमें हमें संघर्ष करना पड़ता है। सत्य सुनना, बोलना
और सत्य का आचरण करना लोहे के चने के समान है मुहावरे का इस्तेमाल किया गया है। इस पर चलते हुए विरोधों तथा विरोधियों का हमें सामना करना पड़ता है जो हमारे अपोजिट खड़े होते हैं। लोगों की प्रताड़ना और हलनाओं को भी हमें क्या करना पड़ता है, उलाना को भी हमें झेलना पड़ता है। आज के युग में लोग अपने स्वार्थ यानी अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए अधर्म और अनीति यानी गलत तरीकों का सहारा लेते हैं सिर्फ अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए। ऐसे में सत्य के लिए कोई स्थान नहीं है। यस ऑब्वियसली ऐसे में सत्य का कोई स्थान नहीं रह जाता है। अधर्म और अनीति में असत्य है यानी झूठ है उसमें जो फलता फूलता है वो क्या है, असत्य है जो उसी में फलता फूलता है। परंतु लेकिन जो स्टूडेंट जो दृढ़ संकल्प लोग होते हैं वो इसी मार्ग में क्या होते हैं, वो इस वे में अपने आगे बढ़ते हैं। सच्चे का परचम वह सदैव लहराता है जो हमेशा सच बोलता है। उनके रहते समय दिनों दिन प्रगति करता हुआ अपने श्रेष्ठता सिद्ध करता है यानी वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता है सत्य के साथ और अपने एक गोल को वो पूरा सिद्ध करता है। अतः सत्य और संकल्प में क्या है स्टूडेंट्स, घनिष्ठ संबंध है। आप याद रखेंगे से आगे पढ़ते हैं, आगे दिया गया है युधिष्ठिर और युधिष्ठिर जैसा संकल्प से क्या अभिप्राय है, तो आपको युधिष्ठिर जैसी इच्छा को बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट्स आप लोग लिखेंगे कि युधिष्ठिर जैसे संकल्प से तात्पर्य कि सत्य के रास्ते पर क्या होना, अडिंग होके चलने की शक्ति यानी हमें डगमगाना नहीं है। युधिष्ठिर महाभारत का क्या है, एक प्रमुख पात्र है। तो सत्य का उसे क्या माना जाता है, पर्याय माना जाता है। युधिष्ठिर ने अपने जीवन में स्टूडेंट सच का सत्य का मार्ग चुना था। इसके लिए उन्होंने विदुर तक को अपने सामने झुकने पर विवश कर दिया। वो सच को जानने के लिए इतना भागे कि उनके आगे विदुर भी झुक गया। वे उम्र भर इस मार्ग पर नहीं चले बल्कि इन्होंने इसने अपने आचरण में आत्मसात किया। यानी ऐसा नहीं है कि वो उम्र भर इस मार्ग पर नहीं चले, तो क्या बताया गया है कि उन्होंने सत्य को ही सच को ही अपने आत्मा में समा लिया, उसके प्रकाश को अपने प्रकाश में महसूस किया है। उन्होंने कठिन से कठिन समय में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। युधिष्ठिर ने स्टूडेंट्स याद रखना है, इसी कारण उन्होंने कई कष्टों को कई संघर्षों को गले लगाया। उन्होंने अपनों का विरोध भी सहा परंतु फिर भी दृढ़तापूर्वक इस मार्ग पर वो चलते ही गए क्योंकि उन्होंने सत्य के पीछे दृढ़ संकल्प कर रखा था। आगे बढ़ते हैं और धर्म की स्थापना की। अपने संकल्प के कारण उन्हें धर्मराजा की उपाधि से नवाजा गया। तो आप याद रखेंगे इसलिए उन्हें धर्मराज की उपाधि से नवाजा गया है। उनका दृढ़ संकल्प महाभारत के इतिहास में अन्य किसी में देखने को नहीं मिलता जो हमें दृढ़ संकल्प युधिष्ठिर में देखने को मिलता है। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, सत्य कविता में बार बार प्रयुक्त हम कौन हैं उसकी चिंता क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप बताएंगे कि कविता में बार बार जो शब्द प्रयोग हुआ है हम कौन है और उसकी चिंता क्या है वो आप बताएंगे। तो लिखा जाएगा, कविता में कवि ने हम शब्द का बार बार प्रयोग किया है। यह हम का उचित आम व्यक्ति से, आप याद रखेंगे कॉमन पीपल से है जो उम्र भर सत्य की खोज के लिए क्या करते हैं, मारे मारे फिरते हैं, सत्य को पहचानना वो जानना चाहते हैं। उनकी मुख्य चिंता क्या है कि सत्य का स्थिर रंग रूप और पहचान नहीं खोज पा रहे क्योंकि वो दृढ़ संकल्प नहीं करते हैं युधिष्ठिर के जैसा, इसलिए वो उसे नहीं जान और पहचान पा रहे हैं। यदि वे इन्हें खोज लेते तो वो सत्य को स्थायित्व प्रदान कर सकेंगे। यानी आम लोग इसे अगर खोज लेते हैं दृढ़ संकल्प कर लेते हैं तो उसके अनुरूप बदलती रहती है। तो परंतु सत्य की पहचान और स्वरूप तो घटनाओं स्थितियों तथा लोगों के अनुरूप बदलती रहती है। यानी हर लोगों के लिए क्या है, सत्य का एक अलग रूप है, एक अलग पहचान है, अलग स्थिति है। कहीं पर वे किसी के लिए सत्य है तो कहीं पर किसी के लिए क्या है स्टूडेंट्स, वो कुछ भी नहीं है। किसी के लिए सच सच है तो किसी के लिए सच झूठ है। तो हम किसी चिंता में ग्रस्त होकर उसकी पहचान पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, हम सच को ढूंढ रहे हैं परंतु हर बार निराशा हाथ लग रही है और सत्य की प्राप्ति नहीं हो रही है क्योंकि इसकी प्राप्ति के लिए हमारी आत्मा को पवित्र और ईमानदार होना चाहिए। जब हम इसे अनुभव
करेंगे क्योंकि सच कोई दिखाई नहीं देता। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, सत्य की राह पर चल, अगर अपना भला चाहता है तो सच्चाई को पकड़। इन पंक्तियों के प्रकाश में आप बताएंगे सत्य कविता का मर्म खोलिए। तो बताना है बेसिकली क्या किया गया है। तो कवि कहता है मनुष्य को सच्चाई की राह पर हमें चलना चाहिए, उसे फॉलो करना चाहिए, इसी से क्या होता है, भला होता है। और यही बात कविता में भी की गई है। आज का युग अधर्म और अनैतिकता के ताने बाने मुलज कर रह गए हैं, यानी अनुचित कार्य करते हैं लोग। पूर्ण पाठ सच्चे का आचरण नहीं करते, युग में डिटरमिनेशन की कमी होती है। असत्य का साम्राज्य चारों ओर फैल रहा है, यानी झूठ का। कवि असत्य की विजय देख कर क्या है, दुख है। कवि जो है उन्हें बहुत दुख पहुँचता है झूठ की जीत को देख करके। ये क्या है, मानवता की एक तरीके से हत्या है। ये कविता का क्या है मर्म है, जिसे आप याद रखेंगे। कवि के अनुसार मानवता की भलाई किसमें है, स्टूडेंट जो सच के मार्ग पर चले, क्योंकि जो झूठ का मार्ग होता है वो कैसा होता है, अनैतिकता और अधर्म को, यानी जो अनुचित कार्य नहीं है उनको बढ़ावा देता है। इसमें क्या होता है कि लोगों को निराशा मिलेगी, वो दुख होंगे, विरोध क्रोध लालच स्वार्थ आदि भाव उनमें क्या होने लगते हैं, डेवलप होने लगते हैं। अगर वो असत्य के मार्ग पे चलते हैं तो उनका स्वार्थ दुख विरोध क्रोध उनका उनमें डेवलप हो लगता है। भाई भाई को मारने पर क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, क्योंकि उनमें असत्य होता है। परंतु सत्य के मार्ग पर चलता है कोई तो धर्म और नैतिकता को बढ़ावा मिलता है, यानी उन कार्य को जो बिल्कुल उचित है। लोगों में इस कारण क्या होता है, आशा सुख प्रेम शांति और परोपकार की भावना स्टूडेंट्स क्या होने लगती हैं, अपने आप ही डेवलप होने लगती हैं। यदि एक क्या बोला गया है, जो व्यक्ति है वो असत्य को नकारता है तो इससे कई लोगों का भी भला होता है। यानी कोई व्यक्ति असत्य के मार्ग पर नहीं चलता है, सत्य को अपनाता है, तो उससे क्या होता है स्टूडेंट्स, कई लोगों का भला होता है। लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ये आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। आप सत्य को अपने अनुभव के आधार पर प्रकाशित कीजिए। तो आप इसे अपने अनुभव के आधार पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लिखेंगे। ये आप लोगों का होमवर्क है, आप मुझे इसे सॉल्व करके दिखाएंगे। आई होप स्टूडेंट्स ये आप लोगों को कविता बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। द नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर को समझाऊँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।